गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमिक टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं लाइव आया हूं, और इसके पहले बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर आप लाइव आइए, बट किसी तरीके से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाइव आने के लिए एक छोटा सा सेटअप का रिक्वायरमेंट होता है। और मैं चाह रहा था कि अगर मैं कभी भी लाइव आऊँ तो मैं एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अच्छी तैयारी के साथ में लाइव आऊँ। तो आज अगर मैं लाइव आया हूँ तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। और आपको पता ही है मेरे सारे जो वीडियोस होते हैं सभी वेल रिसर्च बेस्ड वीडियोस होते हैं, तो आपको एटमी की नहीं, इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती है ना। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो जो है वो शुरुआत करेंगे। और वीडियो शुरुआत करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं क्विकली हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नए नेटवर्कर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप अगर एक अच्छी टीम की तलाश में हैं और एक अच्छा सेटअप चाहते हैं, एक अच्छा स्मार्ट सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारी टीम इसमें एक स्मार्ट सपोर्ट के साथ में इस इंडस्ट्री में काम करती है। और आज मैं एटमी के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देने वाला हूँ जो एक जितने भी मेरे वीडियोज बनाए गए हैं उन सारे वीडियोज का एक समरी है, राइट। और वो समरी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो पॉइंट हर नेटवर्क मार्केटर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप एटमी का पार्ट हो या ना हो, लेकिन आपके लिए उन सभी पॉइंट्स के का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो मैं कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट का के बारे में आपको समझाऊंगा जो इसके पहले कभी डिस्क्राइब नहीं किए गए, बताए नहीं गए हैं, या शायद से हम समझ नहीं पाए हैं, ओके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्विकली जो है, तो गाइज सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे हमेशा एक्साइट करती है, जो मैंने हमेशा आपको बताया है और मैंने हमेशा उस चीज के बारे में बात की है, वो है कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। और इस चीज को समझने के लिए मैं आप ही डायरेक्ट सेलर, जो भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर से दूसरी कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और कंटिन्यूअसली आप हमें देखते रहते हैं, तो मैं आपसे ही एक सवाल करता हूँ। प्लीज कॉमेंट बॉक्स पे इस चीज का रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आपसे ही मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या लगता है आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी हम जिस भी नाम से हम इसे बुलाते हैं, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप फ्यूचर के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक आप पास्ट में ही जी रहे होंगे। तो एक बार हम सभी लोग, हम सभी डायरेक्ट सेलर्स या हम सभी नेटवर्कर्स, एक बार आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं आज भी लड़ रहे हैं सिर्फ एक ही चीज को लेके, वो है प्रोडक्ट कंपनसेशन प्लान और अदर चीजें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप ये बात माने चाहे ना माने, आपके मानने या ना मानने से ये चीज बिल्कुल नहीं बदल जाती है, क्योंकि ये फैक्ट है, ये रिसर्च बेस्ड जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स है। वो अब प्रोडक्ट की लड़ाई नहीं है, वो अब कंपनसेशन प्लान की लड़ाई नहीं है। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, कंपनसेशन प्लान बनाना, प्रोडक्ट डुप्लीकेट करना, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसीजर है, राइट। बहुत आसान तरीका है इन चीजों को डुप्लीकेट करना, और हम लोगों ने भी ट्राई किया हुआ था एक समय में, एक अपनी MLM कंपनी बना के, बट हम लोग बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि क्या अभी भी वही लड़ाई जो है वो कायम है, और लोग क्या आज भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंपनसेशन प्लान के बेटर होने के तरीके, इन्हीं सभी चीजों पर लड़ाई करते रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यस आज से 20 साल बाद में भी यही चीजें होने वाली हैं, लोग और बेटर प्रोडक्ट्स के साथ में आने वाले हैं या लोग और बेटर कंपनसेशन प्लान के साथ में आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होते जा रही है, ठीक है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होते जा रही है, इसका मतलब ये हो गया है कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी का, प्रोडक्ट की प्राइसिंग का, इन कंपनसेशन प्लान, इन सारी चीजों का भी महत्व रहेगा, लेकिन आने वाला समय रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की वेराइटीज किस व्यक्ति के पास में है। और इस चीज को सबसे पहले जो किया हुआ है वो एटमी ने किया हुआ है, राइट। एटमी वर्ल्ड की फर्स्ट ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इसका मतलब क्या है कि जिस समय में एटमी स्टार्ट हुआ था उस समय ही उनका विजन था कि हम ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे उतरे, और ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। ऑलरेडी इसका एक ट्रायल जो है कोरिया में चल रहा है, और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो बहुत जल्दी आने वाला है। काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो लीडर्स हैं वो ये बोलेंगे कि सर अभी तो उस चीज को समय है, तो हम लोग उसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। तो
सभी जो फ्यूचरिस्टिक चीजें होती हैं, सभी जो विजनरी चीजें होती हैं, डेफिनेट सी बात है उनकी शुरुआत किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई रहती है, ठीक है, और उसी समय पे उन सारी चीजों को अडॉप्ट किया जाता है, राइट। और रिसेंटली अभी आपने कुछ टाइम पहले जो हमारे ऑनरेबल जो चेयरमैन है मिस्टर हैंगल पार्क, उन्होंने एक रिसेंट अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सटेंडेड रियलिटी की तरफ काम किया हुआ है। गाइज, ये इतनी बड़ी चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोग जो नॉन टेक्निकल हैं वो हो सकता है इस बात की या इसका जो बड़ा स्वरूप है वो नहीं देख पा रहे होंगे, वो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा जरूरी पार्ट है कि एक तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट होते जा रहा है ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स की तरफ मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ पे अमेजोन काम करता है, फ्लिपकार्ट काम करता है, तो अब ये एक वाइट लेवल प्रोडक्ट्स की लड़ाई नहीं रह गई है कि हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट है वर्ल्ड के, हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, इसके बाद में अब ये लड़ाई होगी कि आपके पास में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज कितनी है, क्या आपके पास में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स है, राइट, दूसरे कंपनीज के भी ब्रांड्स हैं क्या आपके। जब कभी इस चीज की शुरुआत हुई होगी तो हैंगल पार्क सर ने जब सोचा हुआ होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो उनका पिछला वेंचर था iamkorea.com, अगर आपने उनके उसके बारे में सुना होगा, तो iamkorea.com एक ई कॉमर्स मॉडल ही था जो किसी वजह से चल नहीं पाया था, और उसी समय से उनके दिमाग में ये चीज डेफिनेटली बनी हुई थी कि किस तरीके से ई कॉमर्स को और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो है मर्ज किया जा सकता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक फ्यूजन, मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा फ्यूजन है जो एक ई कॉमर्स का और एक डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूजन बनाया हुआ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स तो पहले आप समझ लीजिए कि आज के समय में लोगों को शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ ऑनलाइन कुछ चीजें परचेस करनी है, आपको क्लिक करना है, आपके कार्ट पे ऐड हो जाएगी, आप उसका पेमेंट कर दीजिए और वो घर बैठे आपको रिसीव हो जाएगा। इसी मॉडल पे जो है अभी एटमी काम कर रहा है, और इसका फ्यूचरिस्टिक मॉडल क्या है, इसका फ्यूचरिस्टिक मॉडल है अजा मॉल। अजा मॉल क्या है, अजा मॉल में आपके पास में 10,000+ प्रोडक्ट कैटेगरीज और ये तो इसका मतलब सॉरी लाखों प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो लाखों प्रोडक्ट्स होने का मतलब क्या हुआ है, लाखों प्रोडक्ट्स होने का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग कर पा रहे हैं और हमारे पास में कोई ब्रांड्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पास में जो भी हमें फेवरेट ब्रांड सकते हैं हम लोग वो फेवरेट ब्रांड ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। और सिमिलरली यही होगा कि जब अजा मॉल मार्केट में आएगा तो अजा मॉल में हमारी जो भी चॉइसेस की चीजें हैं, लेट्स से कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, एसेसरीज, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी हम लोग एक्स वाई जेड चीजें लेना चाहते हैं वो सारी की सारी जो चीजें हैं अजा मॉल में अवेलेबल रहेंगी। ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है इसलिए इसे आने में भी इतना समय लग गया है, और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता आप तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका हो रहता है। लेकिन ई कॉमर्स में एफिलिएट मॉडल ऑलरेडी रनिंग है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एफिलिएट मॉडल में ऑलरेडी जो डिजिटल मार्केटर्स है वो काम करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है इसलिए इसे थोड़ा सा समय लग गया। अब इसका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, ई कॉमर्स का फ्यूचर होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स का फ्यूचर होने वाला है फोर्थ डायमेंशन प्लान, और ई कॉमर्स का फ्यूचर होने वाला है एक्सटेंडेड रियलिटी। इन सभी चीजों का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको मैन पावर किस तरीके से कम किया जा सकता है। एटमी फर्स्ट डे से ऑटोमेशन की तरफ बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ऑटोमेशन की तरफ कि कितना कम से कम मैन पावर यूज करके उसकी कॉस्ट रिड्यूस की जाए ताकि एक मेन मंथली जो खर्चे हैं और जो सैलरी के खर्चे हैं वो कम किए जा सके। तो टेक्नोलॉजी में वन टाइम खर्च करके या उसको एक ऑटोमेशन वाला जो है रूप देके इन सारी चीजों को जो है बहुत से कम किया जा सकता है, राइट। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन फ्यूचर ये होगा कि अगर आपको लेट्स से हिमोहिम के बारे में सर्च करना है तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके हिमोहिम के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टूल्स जो एटमी शॉपिंग मॉल में और इन सब चीजों में इंटीग्रेट किए गए हैं तो उन सारी चीजों से आप मदद ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इसके अलावा कंपनसेशन प्लान समझना है, बहुत सारी अदर दूसरी चीजें समझनी है, तो ये सारी चीजें जो अवेलेबल रहेंगी वो किस में अवेलेबल रहेंगी, इस ई कॉमर्स मॉडल पे अवेलेबल रहेंगी, राइट। और इसके बाद में हम लोग अगर एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, एक बहुत साधारण शब्दों में जैसे मैंने पिछले भी समझाया था कि ये एक रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड का एक सही कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि अभी के समय में ई कॉमर्स मॉडल में क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास में साइज का इशू आता है क्योंकि हम लोग उनको ट्राई नहीं कर सकते हैं। जब तक हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करते, प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद में हमारे पास में आता नहीं है तब तक हम लोग उसको ट्राई नहीं कर सकते, और इसके कारण ई कॉमर्स कंपनीज का भी लॉस होता है। कंपनीज का लॉस
कॉस्टली होता है क्योंकि शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं, आने जाने का शिपिंग चार्जेस लग जाता है क्योंकि कस्टमर जो है उसको टेस्ट एंड ट्राई नहीं करता है, राइट। जिस तरीके से हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम लोग मिरर के सामने खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं। तो एक्सटेंडेड रियलिटी में एटमी ने यह काम किया है कि ये सारी चीजें आपको एक एप्लीकेशन में दे दी है। तो इसके कारण क्या होने वाला है, इसके कारण ये होने वाला है, लेट्स से जो मैंने अभी कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे कपड़े आप एक कैमरे के सामने आके आपको सिर्फ अपने आपको सिर्फ उस कैमरे के सामने खड़े रहना है, वहां पे आपका डायमेंशन ले लिया जाएगा, डायमेंशन लेने के बाद में आपका एक जो सही डेटा है वो डेटा बन जाएगा और एक 4D मॉडल काइंड ऑफ चीज बन जाएगी। और 4D मॉडल काइंड ऑफ चीज बनने से ऐसा हो जाएगा कि आप जो भी शर्ट टी शर्ट या जो भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं अपने ऊपर वो ट्राई कर लेंगे और आपको फिक्स आपका वो कैसा आपके ऊपर लग रहा है ये आपको समझ में आएगा, राइट। इसी तरीके से लेट्स से आपको शूज ट्राई करने हैं तो आपको आपका आपका सिर्फ पैर आपको उस कैमरे के सामने रखना है, वो ऑटोमेटिक उसको स्कैन करके उसका डायमेंशन ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो सही शूज है वो आपके पैरों में कैसा दिख रहा है ये सारी चीजें बता देगा। इस चीज से काम क्या होगा, इस चीज से ई कॉमर्स को भी फायदा है और कंज्यूमर को भी फायदा है। कंज्यूमर को क्यों फायदा है, कंज्यूमर को इसलिए फायदा है कि इसके पहले बहुत सारे लोग जो इस चीज से हेजिटेट हो रहे हैं कि हम लोग सर ई कॉमर्स शॉपिंग कैसे करें, कोई भी चीज आ सकती है, हम लोगों ने टेस्ट नहीं की है, ट्राई नहीं की है और हमको नहीं पता है कि क्या चीज हमें रिसीव होगी, तो इस चीज का सोल्यूशन है एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट। अब इसके बाद में अगली हम लोग जो बात करेंगे वो है होलोग्राम इमेजेस की। अब आपने अभी कोरोना वाला टाइम देख ही लिया है, हर किसी ने देख लिया है और कोरोना के कारण सभी पब्लिक गैदरिंग जो है वो बंद हो गई है। तो फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर ये होने वाला है कि आपको एक ही जगह पर रहकर, जैसे अभी हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू या हम लोग यूट्यूब के थ्रू जैसे आप ये लाइव प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसी तरीके से आप होलोग्राम 4D इमेजेस के थ्रू जो है फ्यूचर प्रेजेंटेशन अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो आपको कोई यूट्यूब का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा और ये सारी चीजें जो है एप्लीकेशन में इनबिल्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है इसका एटमी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो अभी नया एक एप्लीकेशन आने वाला है एटमी का। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो एक अच्छे लीडर की तलाश में रहते हैं और चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, और डेफिनेटली एटमी का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बने, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में टूल्स हो, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो, तो ये सारी चीजें कब होंगी, ये सारी चीजें सब तब होंगी जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। और अभी के समय में अगर आप किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म में, किसी भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, चाहे वो 50 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये फीचर नहीं है। उससे फायदा क्या होने वाला, उससे फायदा ये होने वाला है कि हम लोग सारे इंटरनेशनल जो अचीवर्स हैं उन सभी के डायरेक्ट टच में रहेंगे, राइट। हमें फेसबुक पे उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हम कहां पे फॉलो कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे फॉलो कर पाएंगे। और इससे ये होगा कि उनके जो टूल्स हैं, उनके जो प्रेजेंटेशन है वो हमको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, तो हमारा एजुकेशन, हमारी लर्निंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके अलावा ये होने वाला है कि बहुत सारे क्योंकि आपको कभी भी इन चीजों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे इमेजेस चाहिए रहते हैं, कुछ PDF फाइल्स चाहिए रहती है, बहुत अलग अलग चीजें चाहिए रहती है, ये सारी चीजों की रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अभी तक ऐसा है कि ये सारी चीजों की रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, CHATV के चैनल पे हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे जो टीम लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज अलग बनाए हुए, तो ये सारे रिसोर्सेज आपको कहाँ पे मिल पाएंगे, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सनल वेबसाइट की तरफ शिफ्ट होने वाला है, हम अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं, हम अपना कलेक्शन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हैं, हम लोग अपनी बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास में अवेलेबल है। और कोई भी कस्टमर अगर आएगा, लेट से उसको मेरी प्रोफाइल पसंद आई, तो वो मेरी प्रोफाइल में आके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट परचेस कर सकता है। तो ये है फ्यूचर गाइज। और जो व्यक्ति इस चीज को अभी नहीं समझ रहा है, आप नो मैटर आपने 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया, नो मैटर आप किस MD के नीचे काम कर रहे हैं, बट अगर उन्होंने ये सब चीज प्लान नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़ी चीज से हाथ धोने वाले हैं, राइट। और ये आपको कैसे समझ में आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जब अपना मॉडल लॉन्च किया था तो उन्होंने इस तरीके से एक एग्रीगेटर का पार्ट निभाया था कि सारे के सारे होटल्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में ला दिया था। तो एटमी की प्लानिंग भी कुछ इसी तरीके की है कि आपको ग्लोबल जितने भी किसी भी कंट्री के टॉप प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको, और मैक्सिमम जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, वो आपको कहां पे एटमी में देखने को मिलेंगे। तो एटमी कभी भी प्रोडक्ट्स की लड़ाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। उनका सीधा सीधा मानना है कि हम लोग वर्ल्ड का एक डिस्ट्रीब्यूशन हब अगर बन जाएंगे तो
डिस्ट्रीब्यूटर के पास में बहुत सारी वेराइटीज होंगी एक कंज्यूमर को बताने के लिए और एक बिजनेस करने के लिए, राइट। और यही सबसे बड़ी चीज है जो हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना हुआ करता था और हर डिस्ट्रीब्यूटर कभी ना कभी सोचा करता था कि काश अगर ऐसा होता कि हम दुनिया की सारी चीजें किसी को रिकमेंड कर पाते, नो मैटर वो उस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की भी जा रही है या नहीं, लेकिन अगर हम लोग काश उन भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर पाते तो हमारे लिए कितने ज्यादा फायदे वाली बात होती, राइट। तो ये है फ्यूचर, और ये फ्यूचर जो 20 साल या 30 साल बाद में कोई दूसरी कंपनी शायद से इस चीज को करने की सोचेगी, वो सारी की सारी चीजें जो है एटमी ने इस समय पे डेटा आपका समझना जरूरी है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो डेटा समझना है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप प्रेजेंटेशन या किसी भी लीडर के चेक देख रहे हैं या लीडर्स के आप कोई भी एक प्रमोशनल वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि हमारे लीडर्स ने इतने पेमेंट्स निकाले हैं, इतने सक्सेसफुल लीडर है, हमारा पेमेंट इतना आया हुआ है। मैं चाहूंगा कि उन सारी चीजों को कट डाउन किया जाए। अब आप बात करें डेटा पे, ठीक है, डेटा पे बात करें तो सिंपल सी चीज है कि चाइना में अभी जैसे रिसेंटली लॉन्च हुआ है एटमी, तो 30 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में लॉन्च हुआ है। इंडिया में करीब 60 लाख लोग प्री रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलरेडी 60 लाख जो है एग्जिस्टिंग हमारे पास में एटमी के ग्लोबल मेंबर्स है। तो कुल मिला के अब अगर इंडिया और चाइना मेजर मार्केट लॉन्च हो जाता है तो उसका इतना ह्यूज इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडस्ट्री पे। क्यों? क्योंकि अभी अभी इन मेजर दो कंट्रीज में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का करीब करीब 45% जो है वो संभालती है, उन कंट्रीज में लॉन्च ना होने के बाद भी कंपनी जो है 11वीं पोजीशन पे डीएसएन रैंक पे आई हुई थी। तो आप सोचिए कि जब सिर्फ छोटी छोटी 13 कंट्रीज में काम करने के बाद में कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर सकती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन ग्लोबल हिस्ट्री, तो आप सोचिए कि इंडिया और चाइना में लॉन्च होने के बाद में कितना बड़ा जो है वो सुनामी है। तो कुल मिला के इन सभी चीजों को समझने का एक बहुत साधारण सा तरीका है, वो साधारण सा तरीका है कि आप डेटा समझे, आप डेटा समझे, आप रिसर्च करें, आप एनालाइज करें और ज्यादा से ज्यादा जो है उस सिस्टम की जानकारी लें, ना कि किसी सिंपल से लीडर जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है वो जो भी बता रहे हैं उन सारी चीजों को भरोसा करें। इनफैक्ट ना मैं अपनी भी बात करूंगा कि आप मेरी बातों पर डायरेक्ट भरोसा ना करते हुए उन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च कभी झूठ नहीं बोलता है, लॉजिक्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, राइट। लीडर झूठ बोल सकते हैं या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और जो प्रमोटर्स हैं वो झूठ बोल सकते हैं, बट रिसर्च झूठ नहीं बोलता, राइट। तो अगर आप जब भी रिसर्च समझ जाए और डेटा समझ जाए तो आपको समझ में आने वाला है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। और अभी सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो हम लोग इंडिया में करीब मान लीजिए कि 15वीं या 16वीं कंट्री है जो एटमी की लाइनअप है और इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और आने वाली बैक टू बैक अगर कंट्री है तो हमारे पास में ग्लोबल मार्केट है एक्सपेंड करने के लिए। और ग्लोबल मार्केट और एटमी का सिंगल आईडी का जो कॉन्सेप्ट है, सिंगल आईडी और ग्लोबल आईडी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ज्यादा जो है फिर एक मैं आपको छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, एटमी का विजन है। हेंगल पार्क सर ने जिस टाइम पे एटमी लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे उन्होंने बता दिया था कि हम लोग $100 बिलियन कंपनी की तरफ जो है हमारा सपना है और बहुत कम समय में $100 बिलियन कंपनी का जो है मार्क टच करेंगे। मैं आपको एक फैक्ट फिगर बता दूं कि अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखेंगे पिछले साल की, तो 2019 की जो टोटल वर्थ है, जो टोटल डायरेक्ट सेलिंग की ग्लोबल वर्थ है, वो $189 बिलियन की है। तो आप सोचिए $100 बिलियन एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी के थ्रू ये अनाउंस करना कितनी बड़ी बात है, राइट। तो विजन अगर डिसाइड किया जाता है तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। जिस टाइम सारी दुनिया सो रही थी लॉकडाउन में, सभी लोग घर पे थे, उस टाइम पे काम नहीं रुका था, उस टाइम पे हम लोगों ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर दिया था कि 20 साल बाद में जो कोई बड़ी से बड़ी ई कॉमर्स कंपनी नहीं सोच सकती है वो सारी चीजें एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने अभी लॉन्च कर दिया, राइट। तो ये होता है फ्यूचरिस्टिक विजन, और ये होता है मार्केट डिस्टर्ब करना। मार्केट डिस्टर्ब करना मतलब पिछले मार्केट से कॉम्पिटिशन करने के लिए आप बार बार एक नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करके इस चीज की तलाश में नहीं रहेंगे कि ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है और ये मेरी बेस्ट प्राइसिंग है, ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है, ये मेरा बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। आपने एक झटके में, एक शॉट में जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया और एक ऐसी चीज लाई जिसके चक्कर में पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। ओला उबर का एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूं कि टैक्सी का मार्केट उन्होंने कैसे डिस्टर्ब किया था, जोमेटो ने होटल्स का मार्केट कैसे डिस्टर्ब किया था। सारी होटल इंडस्ट्री जो है अभी काफी हद तक, किसी भी सिटी में अगर जोमेटो होगा ना तो उस सिटी में मैक्सिमम डिपेंडेंसी जोमेटो पे है, क्योंकि उन्होंने उनका फुटफॉल जो है लगभग जीरो कर दिया, राइट। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप ओयो की बात करेंगे तो होटल भी आजकल ओयो पे डिपेंड हो गया है। तो सिमिलर चीज क्या है कि अगर कोई दुनिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जाए जहां पे दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हो जाए, धीरे धीरे ही सही क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आप सोचिए अगर वो हो जाता है तो कितनी बड़ी बात होने वाली है। आपके पास में प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन नहीं है, आपके पास में सजेशंस की लिमिटेशंस नहीं है, आपके पास में ब्रांड्स की लिमिटेशन नहीं है, आप लगभग सारी चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। और यही चीजें हैं जो हमें इतना ज्यादा एक्साइट करती है इस चीज को प्री लॉन्चिंग में भी काम करने के लिए। ओके गाइस, अब मैं आपको जो एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ वो पॉइंट है हिस्ट्री का।
तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपको एटमी की बहुत जानना जरूरी है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फाउंडर की हिस्ट्री की, ठीक है। फाउंडर की हिस्ट्री मतलब मिस्टर हैंगिल पार्क सर की अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो वो एक आम पर्सनालिटी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर इस लेवल का प्रोफाइल आपने कहीं भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग फाउंडिंग के सीईओ या एमडी में देखा होगा तो डेफिनेटली मुझे बताइए, क्योंकि मैंने नहीं देखा है आज तक और ऐसा प्रोफाइल, राइट। सबसे पहले उन्होंने ई कॉमर्स एक imkorea.com उस टाइम पे सेट किया था जिस टाइम पे अलीबाबा को सिर्फ एक साल कंप्लीट हुआ था। तो मिस्टर हैंगिल पार्क सर की प्लानिंग क्या थी, imkorea.com ये एक वहां का ई कॉमर्स मॉडल हुआ था। तो जिस टाइम पे ई कॉमर्स ही एक नया शब्द था उस टाइम पे imkorea.com को बढ़ाना और उसको प्रमोट करना और उसको ग्लोबल लेके जाने का उनका प्लान था, बट किसी कारणवश जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर imkorea सक्सेसफुल हुआ रहता तो शायद से एटमी जो है ये वेंचर ना बना होता और ना इसकी हमें जो है अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में जो अगला मैं आपको बताना जा रहा हूं वो है एसोसिएशन की हिस्ट्री, ठीक है। एसोसिएशन की हिस्ट्री मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज से एक दो साल के बाद में, पांच दस साल के बाद में रिलायंस हमारे यहाँ के जो टॉप बिजनेस टाइकून्स है, चाहे आप रिलायंस की बात कर लीजिए, टाटा की बात कर लीजिए, बिरला की बात कर लीजिए, कभी अगर ये अपना एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल प्लेटफॉर्म लेके उतरते हैं तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम लोग डेफिनेट सी बात है वो यही बोलेंगे कि बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि रिलायंस को हर व्यक्ति जानता है, ऑलरेडी टाटा को हर कोई व्यक्ति जानता है, अंबानी को हर कोई व्यक्ति जानता है, ठीक है। सिमिलर चीज जो है, जब जिस टाइम का एटमी स्टार्ट हुई थी आज से 10-11 साल पहले, तो उनका फर्स्ट डे का जो भी प्रोफाइल था ना, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का फर्स्ट डे का प्रोफाइल इतना ओल्ड नहीं होता जितना डायरेक्ट सेलिंग जितना एटमी का था। और उसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डे का प्रोफाइल भी केरी और कोलमार की वजह से, केरी का 60 साल पुराना प्रोफाइल और कोलमार का 100 साल पुराना प्रोफाइल, इतना बड़ा प्रोफाइल भी फर्स्ट डे था। तो इसका मतलब है कि जब मिस्टर हैंगिल पार्क सर ने अपने कुछ प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के दिए होंगे और वहां पे प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, तो एटमी कोई नई कंपनी नहीं थी, वो एक दो बड़ी मेजर कंपनी का ज्वाइंट वेंचर थी, राइट। और ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहां हुआ है इसके पहले आप पूरा डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री को जो है रिसर्च करके देख लीजिए, कहीं भी ये चीज इसके पहले नहीं हुई है। हमेशा क्या होता है, हमेशा एक फाउंडर होता है, वो फाउंडर एक सर्टेन मॉडल जो है बनाता है और मॉडल बनाने के बाद में कुछ प्रोडक्ट आउटसोर्स करता है और अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्च कर देता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, राइट। और ये फर्स्ट कंपनी है जो एक गवर्नमेंट बॉडी और एक प्राइवेट बॉडी का ज्वाइंट वेंचर है और उसके थ्रू जो है एटमी निकला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करूंगा मैं प्रोडक्ट की हिस्ट्री। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री बताता हूँ, एक ऐसे प्रोडक्ट की हिस्ट्री जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करीब करीब 8.5 साल का समय लगा, इसके लिए 15 साइंटिस्ट की जो है टीम बिठाई गई, कोरियन गवर्नमेंट ने इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च किए, राइट। अब आप डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री पूरा उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट पे क्या इस लेवल का खर्च किया गया है, इतनी डेडिकेटेड साइंटिस्ट की टीम बनाई गई है, या इतना ज्यादा समय लगा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है एटमी के वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स है, राइट। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स है, इसी का रिजल्ट है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कंपनी है दुनिया की। इसके बाद में बात करूंगा कि हम लोग जो बात में बोलते आ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग जो हिस्ट्री है वो रीराइट करने वाले, तो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री रीराइट करने का मतलब क्या है, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक शॉर्ट में छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी दुनिया में या भारत में, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी भी लीडर्स का, मोटिवेशनल स्पीकर्स का, या फिर आप सेल्स ट्रेनर्स की बात करें, तो कभी भी ऐसे सभी लोगों का ये मॉडल नहीं था, कभी भी इन सभी लोगों की इंडस्ट्री नहीं थी। ये इंडस्ट्री थी एक कॉमन कंज्यूमर की। मॉडल सिंपल बनाया गया था कि एक कंज्यूमर को जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसे ये बोला जाए कि अगर आप और किसी व्यक्ति को जो रिकमेंड करते हैं और उसके रिकमेंडेशन के तौर पे आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा, राइट। ये एक सिंपल सा मॉडल रहा होगा जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल बनाया था कार्ल रहनबर्ग ने, ठीक है। अब इस मॉडल को 2020 तक पहुंचते तक कंप्लीटली लीडर्स की इंडस्ट्री बना दी गई, कंप्लीटली मार्केटिंग गुरुज की इंडस्ट्री बनाई गई है, या फिर सेल्स ट्रेनर्स की इंडस्ट्री बना दी गई है, राइट। डेफिनेटली इनका भी रोल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनका रोल बिल्कुल नहीं, इनका रोल है, लेकिन कोर जो था, जो सोल था, जो उसकी ब्यूटी थी, जो उसकी रूह थी एटमी की, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जो रूह थी, वो रूह कंप्लीटली थी कि जब ये एक कंज्यूमर का मॉडल हुआ करता था, राइट। और एटमी उसी मॉडल को रिराइट करना चाहता है, और इसलिए हमारे पास में जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है, उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज जो मिलेंगी आपको वो मिलेंगे आपको नॉर्मल कंज्यूमर्स की। उसमें लीडर्स भी शामिल है डेफिनेटली, उसमें बाकी सभी लोग नॉलेजेबल लोग भी शामिल है मतलब, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सक्सेस स्टोरीज है एक नॉर्मल कंज्यूमर्स की, है ना। और नॉर्मल कंज्यूमर को अगर आपने सक्सेसफुल बना दिया तो आप एक सैचुरेटेड मार्केट से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि लीडर्स का मार्केट
या आप बोले कि जो मोटिवेशनल गुरुज हैं या फिर मार्केटर्स हैं या फिर सेल्स गुरुज हैं, इन सभी लोगों का मार्केट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, राइट। अगर आप दुनिया में बात करेंगे तो हम लोग कुछ करोड़ों की तादाद में होंगे, 2-4 करोड़ की तादाद में होंगे, लेकिन अगर आप कंज्यूमर्स के मार्केट की बात करेंगे जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, अफोर्डेबल रेट्स पे चाहिए, तो इनकी तादाद हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है, राइट। 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसमें हम लोग एक अच्छे क्वालिटी बेस्ड कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो बहुत करोड़ों में तादाद है उनकी। और यही एटमी का फोकस है कि एटमी वही करना चाहता है कि ये काम जो है जो नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर पे किया गया था, तो उस दौर को अब गाइस में सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा तीसरा पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट की बात करूंगा, वो है प्री लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से समझा के देख चुका हूं, बट मुझे समझ में आ रहा है कि काफी लोग अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे ही ये सवाल पूछूंगा, अगर आप एटमी का पार्ट नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में कब लगी थी, राइट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट है, नो मैटर आप 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं, 20 साल पहले स्टार्ट किए हैं, या आपने 20 साल में 50 बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्विच की है, या 20 साल में आप एक ही कंपनी से काम करते आ रहे हैं, तो आप खुद ईमानदारी से ये बताइए, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए कि आपको उस कंपनी की अपॉर्चुनिटी कब मिली थी, राइट। और मैं आपको ये 110% श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं ना, तो आप उनमें से हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली थी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक बोल सकते हैं कि एक हार्ड ट्रुथ है, बट ये फैक्ट है। और क्यों, और उसका एक रीजन भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली होती तो आप दो ही कैटेगरी में फॉल करते। एक कैटेगरी, या तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मिलियनर्स में शामिल होते, या आप उसके फेलियर्स में शामिल होते। फेलियर्स में शामिल होने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी मिली होती बट उस अपॉर्चुनिटी को जो यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन मिलियनर्स में शामिल होने का मतलब है कि अगर अपॉर्चुनिटी जो है प्री लॉन्चिंग स्टेज पर मिली होती तो डेफिनेट सी बात है अगर आप नेटवर्कर हैं तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, ठीक है। अब अगर आप नहीं है उसे वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको प्री लॉन्चिंग फेज में नहीं मिली है, तो मैं आपको अभी के अभी बोलूंगा कि जिन भी लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी उसके प्री लॉन्च फेज में मिली हो, एक बार आप उनको कॉल कीजिए, उनकी डिटेल निकालिए और उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि वो किस स्टेज पे हैं, और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सभी के सभी लोग जो हैं एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ जो है वो जी रहे हैं। और वो कब हो पाया है, वो हो पाया है प्री लॉन्च स्टेज पे। तो इसका मतलब क्या ये हुआ, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आने वाले समय में अगर कोई प्री लॉन्च फेज ज्वाइन नहीं करता, बाद में ज्वाइन करता है, तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी ज्वाइन होते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वो एक्स्ट्रा एडवांटेज कैसा है, आपने जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा, पिछली ऑर्गेनाइजेशन को जब भी ज्वाइन किया होगा, तो किसी ना किसी व्यक्ति ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी होगी, उसका एक सर्टेन नेटवर्क होगा, अब आपने एक सर्टेन नेटवर्क बनाया होगा। अब डिपेंड करता है उस सर्टेन नेटवर्क में एटमी की अपॉर्चुनिटी को पहले प्रेजेंट करने वाला कौन व्यक्ति होता है, राइट। अगर आप वो हैं तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उस नेटवर्क को लीड कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि शायद आपके नेटवर्क में से कोई और व्यक्ति जो है वो आज नहीं तो कल आपको एटमी के बारे में बताएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि प्री लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट ना करें, ठीक है। इसका मैं सबसे अच्छा एक उदाहरण बताता हूं, जब ओला लॉन्च हुआ था, और इसका इसका जो मैं एक सैचुरेशन की बात करता हूं कि एक टाइम के बाद में मार्केट जो है सैचुरेट हो जाता है। क्यों मार्केट सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली कंज्यूमर्स की लिमिट नहीं, कंज्यूमर्स अनलिमिटेड है, लेकिन एक लीडर्स मार्केटर्स और ये सभी लोग जो है उनकी एक तादाद है, वो उनकी एक लिमिटेशन है, राइट। और उसमें जो व्यक्ति पहले आएगा वही दूसरे को जो है अपॉर्चुनिटी दे सकता है ना, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बाद में आने वाला व्यक्ति जो है वो पहले वाले व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे, और अगर करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में ज्वाइन निकलेगा। तो गाइस, प्री लॉन्चिंग को एक बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। प्री लॉन्चिंग में अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा उस अपॉर्चुनिटी का फायदा 110% आपको देना चाहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने भी उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो सकता है कि बहुत साल दिए होंगे, बहुत साल देने के बाद में अगर हो सकता है कि वो 50-25 हजार रुपए या 1-1.5 लाख रुपए महीने बना भी रहा होगा, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे नेटवर्कर्स होते हैं जिन्हें सही समय पर वो पोजिशन ना मिलने के कारण, और सही समय पर वो कंपनी उस अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण बहुत लेट हो जाते हैं। फिर जब अपने ही कॉन्टैक्ट्स को वो टैप करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी एटमी का पार्ट है, राइट। और आई थिंक आपके साथ में डेफिनेटली हुआ होगा ये चीज, राइट। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है, मार्केट सैचुरेट होने के पहले, मार्केट सैचुरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बाद में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मार्केट सैचुरेट होने का मतलब ये है कि आपका जो एक नेटवर्क बना हुआ है, आपका एक नेटवर्क बना हुआ, उस नेटवर्क का बेनिफिट उठाना जरूर स्टार्ट करें। ओला या उबर जब स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में जब जब ओला उबर लॉन्च हुआ था, तब लिमिटेड टैक्सीज जो है
वो ओला उबर से कनेक्टेड थी, ठीक है, तो लिमिटेड टैक्सीज कनेक्टेड थी, तो उसका फायदा क्या मिलता था कि एक ही टैक्सी के पास में बार बार बुकिंग जाती थी, और बार बार बुकिंग जाती थी तो उसका फायदा क्या हो जाता था कि उसका बिजनेस ज्यादा होता था। और इसके बाद में क्या होगा कि जब बहुत सारी टैक्सीज आ गई, जब बहुत सारी टैक्सीज कनेक्ट हो गई और हर कोई व्यक्ति जो है अपनी पर्सनल टैक्सीज खरीद के ओला या उबर से कनेक्ट करने लगा, तो उसके बाद में ये हो गया कि एक सही समय के बाद में वही जो कस्टमर्स बुक करते थे तो वो बुकिंग उस टैक्सी वाले के पास में जाते हुए बाकी सारे ड्राइवर्स के पास में जाती थी। तो क्या हो गया था, मार्केट बढ़ गया था, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नो मैटर, आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल आप बड़ा नेटवर्क बनाने से जो है वो पीछे पीछे रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, अचीवमेंट मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगी, नो डाउट वो 110% मिलेगी। बट अगर आप इंपीरियल का ही सपना देखते हैं, अगर आप क्राउन मास्टर या इसके रॉयल क्लब में शामिल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीना बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, और तो मैं चाहूंगा कि सारे विजनरी लीडर्स हैं वो जल्द से जल्द ये डिसीजन लें और अभी के अभी कनेक्ट हो, क्योंकि प्री लॉन्चिंग की अपॉर्चुनिटी इसके पहले हार्डली 0.01% लोगों को मिली होगी, राइट। और वो जो 0.01% है ना, वो 0.01% इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, वो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे होंगे, राइट। तो बहुत छोटा सा एक कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को यूज करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आप किस जगह जो है अभी किस जगह खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करना। तो अब मैं जो है आपको कुछ और पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा, और इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोफाइल से। तो एटमी का प्रोफाइल दुनिया की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कंपैरिजन में सबसे बड़ा प्रोफाइल है, और मैंने उसके बड़े होने के रीजन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके बाद में भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप सिंपल गूगल कर सकते हैं केई और कोलमार का प्रोफाइल। कोलमार एक 100 ईयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड्स को जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, और एटमी जो है वो केरी और कोलमार का एक जॉइंट वेंचर है। केरी जो है वो नासा के बाद में वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो प्रोडक्ट्स पेटेंटेड करता है, प्रोडक्ट के फॉर्मुले रेडी करता है। तो इन चीजों को जब आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिलेगी। तो केरी को, तो एटमी कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एटमी नई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, ये पहले से जो 50 साल और 100 साल या 100 ईयर्स पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ज्वाइंट वेंचर है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया एक बहुत शॉर्टकट में प्रोफाइल के बारे में। इसका मेरा प्रोफाइल के एक डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना हुआ। एटमी कल्चर ऑफ शेयरिंग में बहुत ज्यादा भरोसा करता है, एटमी बहुत ज्यादा भरोसा करता है कि जो आप कम्युनिटी से अर्न कर रहे हैं, जो आप सिस्टम से अर्न कर रहे हैं, आपको एक टाइम के बाद में जो है सिस्टम को पे बैक करना चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल्स जो है एटमी खोले हुए हैं, हेल्थ सपोर्ट बहुत अलग से देते हैं, इसके अलावा बहुत सारा डोनेशन दिया हुआ है, आप उनके बहुत सारी स्टोरीज जो है सीएच एटमी की जो चैनल है उस पर देख सकते हैं, राइट। इसके बाद में मैं बात करूंगा गाइस, इसके बाद में मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल जो चेयरमैन है मिस्टर हेंगिल पार्क सर के बारे में। हेंगिल पार्क सर कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो है मेंबर रहे हैं, है ना। और रिसेंटली अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, वो एमबीए की प्रोफाइल है, उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द एक बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके उसकी टॉप पोजीशन जो है अचीव की थी, और उसके बाद में उन्होंने जो है iamkorea.com प्लान किया था, और iamkorea.com के सक्सेसफुल ना होने के बाद में उन्होंने जो है एटमी की स्थापना की। और एटमी अब सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आपको समझना हो तो एक बहुत आसान सी चीज है कि हर डायरेक्ट सेलर का सपना है, हर डायरेक्ट सेलर का क्या सपना है कि वो चाहता है कि काश मैं सभी प्रोडक्ट्स को, नो मैटर वो किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर पाते, और जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं जो जो प्रोडक्ट वो किसी और ई कॉमर्स के थ्रू खरीदना चाह रहा है या अमेजोन के थ्रू खरीदना चाह रहा है, वो काश हमारे थ्रू खरीदता तो हमें उसका एक सर्टेन कमीशन मिलता। सोचिए अगर ये मॉडल आ जाए तो कितना इफेक्टिव चीज होगी, राइट। और इसी मॉडल पे जो है अजा मॉल काम कर रहा है ना, और अजा मॉल जो है जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करूं, जो हमारे व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं एटमी के, तो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में हमारे पास में करीब 400+ प्रोडक्ट्स हैं, 400+ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होने का मतलब क्या है कि वो फॉर्मूले जिन फॉर्मूले से ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उन्हें डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फॉर्मूले हैं और बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड फॉर्मूले हैं उनके। एटमी एक सिंपल से सेइंग फॉलो करता है, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब है कि हम जिन फॉर्मूले, हम जिन इंग्रेडिएंट्स, हम जिन टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ल्ड में दूसरा कोई भी ब्रांड, दूसरा कोई भी, चाहे वो डायरेक्ट सेलर हो, डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड हो, या फिर कोई दूसरा ट्रेडिशनल ब्रांड हो, वो उस रेंज पे उन प्रोडक्ट्स को नहीं दे सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि हमारे प्राइस को, हमारी क्वालिटी को और हमारी क्वांटिटी को जो है मैच किया जा सके, राइट।
इसके बाद में एटमी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, स्ट्रैटेजी को बोलते हैं मैस्टी स्ट्रैटेजी। मैस्टी स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, मास जो ऑडियंस है या मास कंज्यूमर बेस है उसे एक प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल रेट्स पे देना। तो ठीक है, ये है मैस्टी स्ट्रैटेजी, और यही कारण है कि एटमी की जो रिपर्चेजिंग जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, राइट। यही कारण है कि हमारे जो रिटर्न, हमारे जो ऑर्डर्स है उनका परसेंटेज बहुत लो है, हार्डली अगर मलेशिया की बात करेंगे तो 0.19% जो है वो रिटर्न प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके बाद में अभी जो हमारे इंडिया में रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था वोकल फॉर लोकल का, तो वोकल फॉर लोकल की शुरुआत एटमी ने करीब करीब 10 साल पहले ही कर दी थी, और उसे हम लोग जो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं जीएसजीएस स्ट्रेटजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का क्या मतलब है कि दुनिया के हर कंट्री का जो प्रोडक्ट है उस कंट्री के प्रोडक्ट को हम वहां के जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो उस कंट्री के बेस्ट प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि उस कंट्री की जो पहचान है, उन सभी प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग कंट्रीज में इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से अभी इंडिया में इन फ्यूचर अगर एटमी जीएसजीएस स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे यूनिट सेट करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे हल्दी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया की, तो अगर हल्दी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके हम लोग बाकी सारी कंट्रीज में जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसका आपको बहुत मेजर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं बिजनेस के तरीके से बात करूं तो एक बहुत बड़ा जो है विजन प्लान करके रखा हुआ जीएसजीएस स्ट्रेटजी के थ्रू, और उसी तरीके से बाकी की जो कंट्रीज है उन कंट्रीज की जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में यूज कर सकते हैं, राइट। तो जीएसजीएस स्ट्रेटजी एग्जैक्टली यही है जो वोकल फॉर लोकल बताया जा रहा है, ठीक है। और वोकल फॉर लोकल का विजन और जीएसजीएस स्ट्रेटजी का विजन एग्जैक्ट सेम है। तो हैंगल पालसर का विजन था कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उसे तभी जब ज्यादा प्राउड फील होता है जब उन्हें लगता है कि हमारी कंट्री जो है ज्यादा दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट जो है ज्यादा दूसरी कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद में मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स वाला पार्ट बता चुका हूं। हम डायरेक्ट सेलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास में अगर आप किसी नए कंज्यूमर के पास में जा रहे हैं, वो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड यूज कर रहा है और वो उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आप अपना एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उससे सेटिस्फाइड है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उसका ब्रांड रिप्लेस नहीं कर सकते। चीज है गाइस जो अजामोल इंट्रोड्यूस करने वाला है, यही चीज है जो एटमी का फ्यूचर का ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि लेट्स से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड यूज कर रहा है और हमारे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट और लिविंग प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट है, कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेट्स से फर्नीचर की प्रोडक्ट कैटेगरी है या मोबाइल्स की प्रोडक्ट कैटेगरी है या कोई और एसेसरीज की प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो आपको कोई नया ब्रांड उनको देने की जरूरत नहीं है और उस पर ट्रस्ट बनाना ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ ये बोलना है कि आप एग्जिस्टिंग जिस जगह से यूज कर रहे हैं, जिस जगह से ये चीजें उपयोग कर रहे हैं, आपको शिफ्ट होकर इस पर्टिकुलर जगह से ऑर्डर प्लेस करने है। और अगर उसको ये बता दिया जाए कि उसके बाद में वो अगर रिकमेंड करता है तो उस रिकमेंडेशन का फायदा भी उसको मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो सालों से उन चीजों को यूज करते आ रहा है, सालों से लोगों को रिकमेंड करते आ रहा है, लेकिन आज तक उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन सिंपल सी ये एक बात, एक सिंपल सा ये जो विजन जो मिस्टर हैंगल पार्क सर बताते हुए आए हैं ये होगी। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करूंगा, वो है हमारा कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसी चीज को आती है। मैं आपसे वापस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लिए क्या मैटर करता है कि कोई कंपनी जो बहुत ज्यादा कंपनसेशन दे रही है आपको, बहुत ज्यादा पे आउट दे रही है, बहुत ज्यादा मार्जिन दे रही है, ठीक है, आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए तो मुझे समझ में आएगा। क्यों मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में लोगों में इस चीज की होड़ लगी है कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेनिफिट देती है। अब आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी बिजनेस में एक सर्टेन मार्जिन से ज्यादा पैसा जो है वो नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो कंपनसेशन प्लान का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट दुनिया के किसी भी, नो मैटर आप एटमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ध्यान दें कि वो एक वेल बैलेंस्ड प्लान है। यानी वेल बैलेंस्ड प्लान होने का मतलब क्या है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन भी मार्जिन कमाए और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मार्जिन कमाए। ये अगर नहीं हुआ, ये बैलेंस नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही पूरा मार्जिन दे दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन दे दिया जाए, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेशन प्लान बना दिया है, कंपनी बात कर रही है कि मैं 100 रुपए में 105 रुपए दे रही हूं, 100 रुपए में 90 रुपए दे रही हूं या 100 रुपए में 80 रुपए दे रही हूं, 70 रुपए दे रही हूं, जो भी उन्होंने बनाया हुआ, राइट। इसके कारण यह हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कॉमन सेंस यूज करके देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और कॉमन सेंस यूज करके देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो वो कंपनी 2-3 साल बाद खत्म हो जाएगी। और मैक्सिमम इंडिया में यही होता है, हर कंपनी आती है एक बहुत रॉकेट की तरीके से, बहुत बड़े बड़े, अभी रिसेंटली कुछ कंपनी चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े पे आउट निकाल देंगे, सब चीजें कर देंगे, अचानक से गायब हो जाती हैं। इसका उदाहरण आप समझ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई थी जो वही कंपनसेशन प्लान ऑफर करती थी और उनके प्लान्स देखने के बाद में आपको ऐसा लगता था कि इससे बेटर प्लान तो हो ही नहीं सकता।
तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप एक छोटे से मैथमेटिक्स भी लगाएंगे ना और अपने कुछ एल्गोरिदम्स भी फॉलो कर देंगे, तो भी आप एग्जिस्टिंग जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के कंपनसेशन प्लान बन रहे हैं उनसे बेटर प्लान आप खुद ही लॉन्च कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटर चीज क्या है कि वो वेल बैलेंस्ड है, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा दे लिया तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको छोड़कर चला जाएगा, राइट? तो वेल बैलेंस्ड होने का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनसेशन प्लान में वेल बैलेंस्ड अगर हो गया तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी टिका रहेगा, कंपनी भी टिकी रहेगी, और अदरवाइज ऐसा होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएगा या तो कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट? अब एटमी जो है, एटमी अपने टोटल सेल्स वॉल्यूम का 35% डिस्ट्रीब्यूट करता है, 35% तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब क्या है कि पीवी का टोटल 70% और टोटल सेल्स जो है उसका करीब करीब मान लीजिए 35%। इसका मतलब यह है कि हर 100 रुपीज में जो है 35 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डायरेक्टली, और इससे ज्यादा मार्जिन आप प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते हैं। तो 35% से अगर ज्यादा मार्जिन कोई भी कंपनी दे रही है तो मैं बोलूंगा उस कंपनी से पूछिए कि वो क्या कमा रही है, एक बार ये पूछ के देख लीजिए कि आप क्या कमा रहे हो और आप सर्वाइव कैसे करेंगे। आपके ऑपरेशन के खर्चे हैं, आपके सर्वाइवल के खर्चे हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, पैकेजिंग के खर्चे हैं, मार्केटिंग के खर्चे हैं, इसके बाद में बहुत सारी और दूसरी चीजें हैं, और अगर आप इन फ्यूचर फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस कहां से जो है आप बियर कर पाएंगे। गाइस आई होप आप तो जो है इस चीज की वेल बैलेंस प्लान होने का मतलब समझ में आया होगा। वेल बैलेंस प्लान, अभी कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो सबसे पहले पूछें कि क्या वो वेल बैलेंस प्लान है। 35% से अगर कोई भी ज्यादा आपको ऑफर कर रहा है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप अपना कैलकुलेशन खुद लगा के देख लीजिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि उस चीज को किया जा सके। एक नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति क्यों आता है? मैं भी ऑलरेडी बिजनेस है, मेरे बिजनेस है, 5-6 बिजनेस मेरे रनिंग है, तो उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं? नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट बिजनेस बोला जाता है। तो इजिएस्ट बिजनेस होने का मतलब क्या है कि चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एक लो तबके का इंसान हो, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति हो, हाई क्लास व्यक्ति हो, सभी लोग इसको कर पाए, तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि आपने कंपनसेशन प्लान या पे आउट प्लान को ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो सोचिए कि आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपनसेशन प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा, और डुप्लीकेशन का ही ये बिजनेस है, पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप डुप्लीकेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो कुल मिला के कंपनसेशन प्लान बहुत ज्यादा ईजी होना आ जाएगा, ठीक है? अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे टाइप ऑफ प्लान होते हैं, आप बाइनरी का बोल सकते हैं, मैट्रिक्स का बोल सकते हैं, जनरेशन प्लान, बहुत सारे प्लान होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आसान प्लान होता है वो होता है बाइनरी, मतलब 2 लाइक प्लान। बहुत एक आसान शब्दों में जो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास में 2 फैमिली मेंबर है, उन 2 फैमिली मेंबर को पालना आसान है, या आपके पास में 8 फैमिली मेंबर है, 10 फैमिली मेंबर है, तो उन 10 फैमिली मेंबर्स के साथ में सर्वाइव करना आसान है, राइट? तो आप बोलेंगे कि 2 फैमिली मेंबर्स, क्यों? क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स में कोई कंफ्यूजन्स नहीं होते हैं, आप आराम से एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। सिमिलर चीज है बाइनरी, आपको 2 लेग का प्लान अगर आपको समझ में आता है तो बहुत आसानी से उस चीज को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और एटमी के प्लान की मैं कुछ बहुत ऐसी खासियत बताता हूं जो खासियत किसी दूसरे दुनिया के जो बिजनेस मॉडल है उसमें नहीं है। एटमी का कंपनसेशन प्लान एक ऑपोजिट ट्राइंगल के तौर पे काम करता है। ऑपोजिट ट्राइंगल का मतलब क्या है? दूसरी किसी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जो ऊपर वाले लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब से टॉप लेवल की तरफ जाते हैं कंपनी के, तो टॉप लेवल की तरफ जाते जाते कंपनी का मार्जिन बढ़ाया जाता है। मतलब आप उसी प्रोडक्ट पे उससे ज्यादा मार्जिन बनाते हैं, राइट? और ज्यादा मार्जिन दिया जाता है। लेकिन एटमी में वैसा नहीं होता है, एटमी में उल्टा होता है। एटमी का मानना है कि सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सबसे पहली रैंक अचीव करने वाले को, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ काम जो होता है वो पहली रैंक अचीव करना होता है। पहली रैंक अचीव करने के बाद में जब आपका एक टीम बन जाता है और चीजें ऑटोमेशन में आ जाती हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट कर जाती हैं, और बड़े वॉल्यूम पे अगर आप एक छोटा मार्जिन भी देंगे तो भी आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, राइट? और ये सब चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं दूसरी किसी कंपनी में। तो एटमी में ये होता है कि सबसे पहले लेट्स से सेल्स मास्टर की रैंक है तो टोटल ग्लोबल टर्नओवर का जो 20% डिस्ट्रीब्यूट होता था, 20% में से 10%, मतलब करीब 20% का जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर को दे दिया जाता है। इसके बाद में अगर आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, सैरम गोल्ड मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर या इंपीरियल मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इन सभी क्वालिफिकेशन पे जैसे जैसे आप अपनी नेक्स्ट रैंक पे जाएंगे तो आपका मार्जिन जो है वो हाफ होता जाता है, क्योंकि आपकी टीम ऑलरेडी बन गई है, ठीक है? और कंपनी का मानना क्या है? कंपनी का मानना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को या टॉप लीडर्स को ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा है वो जो सरप्लस पैसा जा रहा है
वो सरप्लस पैसा नीचे वाले हायरार्की को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, नीचे वाले ट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, जो डिस्ट्रीब्यूटर दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं यहाँ पे। किसी भी लीडर, अगर लेट से मैंने आज स्टार्ट किया है, तो आज स्टार्ट करने के बाद में मैं 2 साल 3 साल या 5 साल या 6 साल बाद में भी इंपीरियल क्रैक करता हूं, तो इंपीरियल निकालने के बाद में, और जिन्होंने ऑलरेडी अभी लॉन्च के टाइम पे ही अगर कुछ लोग इंपीरियल क्रैक करते हैं, कुछ लीडर, तो हम सभी सेम पोजिशन पे होंगे। इनफैक्ट अगर आप इसके बाद में ज्वाइन करते हैं और आप कुछ 10 साल बाद में क्रैक करते हैं, तो आप भी इंपीरियल सेम पोजिशन पे होंगे और हम सभी लोग ऑलमोस्ट इक्वल इनकम बना रहे होंगे, राइट। तो ये मॉडल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि सिर्फ क्रीम पे फोकस किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इसी तरीके से काम करती है। उनका ये रहता है कि जो टॉप लीडर्स हैं उनके बड़े बड़े चेक्स दिखाए जाते हैं। इसलिए आप हमसे कभी भी कोई ये पूछता है कि एटमी के टॉप अर्नर्स कौन है, टॉप अर्नर्स कितना बनाते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को जनरली इंटरटेन नहीं करते। रीजन ये है कि सभी टॉप अर्नर्स की इक्वल इनकम है और कंपनी टॉप अर्नर्स को बहुत ज्यादा पैसा दे के बाकी के सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पे बिल्कुल फोकस ना करे, ऐसा नहीं करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो, मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्री जो है लोग बने, और मैक्सिमम जो है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बिल्कुल बाकी की दुनिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें यही ट्राइंगल जो है वो बिल्कुल अपोजिट ट्राइंगल के तौर पर काम करता है, और यही कारण होता है कि जो नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो नीचे रैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो जल्दी छोड़ देते हैं और स्विच करते रहते हैं कंपनी, राइट। और एटमी में जनरली आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कोई कंपनी एटमी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है एटमी का स्विच किया हो, एक जो अच्छा खासा अर्न कर रहा हो। ये स्विचिंग जनरली तभी होती है जब नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाइड ना हो, राइट। और मॉडल जितना ज्यादा इजी बनाओगे आप, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद में अगर हम लोग पे आउट प्लान की कुछ और बातें करेंगे, तो ये नो कंडीशनल प्लान है। नो कंडीशनल प्लान होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी है ज्वाइनिंग के लिए, कोई मंथली परचेस का फाउंडेशन नहीं है कि मैंडेटरी आपको इतने रुपए की परचेस करनी है। रिसेंटली मुझे एक अपडेट मिला था कि कुछ कंपनीज जो है वो ऑलरेडी 5,000 से 12,000 रुपए की मंथली खरीदारी करवाती है। तो ये मंथली खरीदारी करना का इंटेंशन समझिए, मंथली खरीदारी करने के बाद में इसका फायदा किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को डेफिनेटली नहीं मिलता है, राइट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में कोई साइड मेंटेनेंस वाला पार्ट नहीं है, हमारे पास में कोई एनुअल फीस या सब्सक्रिप्शन फीस आपको नहीं देनी है महीने की, ठीक है। टीवी लैप्सिंग, जब तक आपका पे आउट नहीं बनेगा तब तक आपके टीवी लैप्स नहीं होते, राइट। इसके बाद में बहुत सारी जो ऐसी हिडन कंडीशन होती है, जो कंडीशन हम लोगों को एक मॉडल में या एक कंपनी में जुड़ने के बाद पता चलती है, वो कोई भी कंडीशन इस कंपनसेशन प्लान में नहीं है, राइट। और बहुत इजी कंपनसेशन प्लान बनाया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी कंपनी, अगर आप कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल के अंदर में अगर प्लान चेंज नहीं कर रही है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था कि एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंडियन कंपनी जो है, उन्होंने कुछ ही टाइम पहले जो है अपना मार्केटिंग प्लान चेंज किया हुआ था। तो मार्केटिंग प्लान चेंज करने से हो क्या जाता है, इसका फायदा और इसके मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक अच्छी रैंक पे अचीव करके रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो रिसेंटली स्टार्ट कर रहे रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो एक कंपनसेशन प्लान कभी भी जब बनाया जाता है, तो मैक्सिमम जो फाउंडर्स होते हैं वो इस लेवल पे 10 साल बाद का या 20 साल बाद का सोच के कभी प्लान नहीं बनाते। मैक्सिमम फाउंडर्स जो प्लान बनाते हैं वो इंस्टेंट सक्सेस के तौर पे वो प्लान बनाते हैं, ताकि हम लोग अभी इसको किसी भी सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम लोग ऑफर कर रहे हैं, तो क्या हमारी वो अपॉर्चुनिटी लेगा या नहीं लेगा, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लालच देने की कोशिश करते हैं, राइट। एटमी का प्लान पिछले 10-11 साल से आज तक चेंज नहीं हुआ, वो कंसिस्टेंट वही प्लान चल रहा है जो पिछले 10 साल से प्लान है, और उसी के कारण नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज निकली हुई है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला प्लान है, ये विदाउट कंडीशनल प्लान है, ये ऐसा प्लान है जो के बारे में मैं आपको एक बहुत और जरूरी पॉइंट बताना चाहूंगा, वो पॉइंट है स्ट्रांग बेस बनाने का। स्ट्रांग बेस बनाने का क्या है, एटमी का मानना है कि हम आपको थर्ड जनरेशन तक जो है आपका बिजनेस ट्रांसफर करके दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज काम कर रहा हूं तो मैं अपना बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूं इन फ्यूचर, और मेरे बच्चे उनके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 3 जनरेशन तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और यही कारण है जो हम लोग 100 ईयर्स तक आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग अपनी बना के बैठे हुए हैं, राइट। और आगे आने वाले समय में जो है हम लोग अगले 100 साल और रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपने। स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का तरीका है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जब हमारी आईडी क्रिएट होती है तो हमारी आईडी नॉर्मल तरीके से क्रिएट नहीं होती है, हमारी आईडी पैन कार्ड और जो गवर्नमेंट के पैन कार्ड के सर्वर और गवर्नमेंट के आधार कार्ड के सर्वर से कनेक्टेड सर्वर है, उस सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है, और उस सर्वर के थ्रू हमारी जो है आईडी क्रिएट होती है। तो उसका फायदा क्या मिलता है, उसका फायदा ये मिलता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की चीटिंग या फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। अगर आप और सिस्टम इस तरीके से ऑटोमेट किया गया है कि आपने पैन कार्ड का नंबर अगर डाला, उस पर वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद में जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वही नाम फेच हो जाएगा। इसका फायदा क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर, इसका फायदा ये मिलने वाला है कि जब हमें पे आउट्स मिलेंगे तो
एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का पे आउट जो है हमारे अकाउंट पे आ जाएगा, राइट। और दूसरा, आधार कार्ड के सर्वर से कनेक्ट होने का फायदा क्या हो गया? आधार कार्ड के सर्वर से कनेक्ट होने का फायदा ये हो गया है कि जितना ज्यादा अगर हम लोग आईडी ट्रांसफर करने की बात करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक हमें अपनी जनरेशन को वो फायदा देना है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग अपना स्ट्रांग वे। सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और नहीं मानते हैं, वो पार्ट है 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल। ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगर कोई फाइनेंस पार्ट का आदमी होगा तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उन्हें सालों लग गया है अभी तक वो इस लेवल के जो है पेडअप कैपिटल तक स्विच नहीं कर पाए हैं, राइट। और अभी भी 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए के पेडअप कैपिटल से काम कर रहे हैं, और इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो भी अभी बड़े पेडअप कैपिटल के साथ में जो है स्टार्ट नहीं करी। तो एटमी ने जब स्टार्ट ही किया है, जब रजिस्टर्ड ही किया है, तो वो 10.5 करोड़ के पेडअप कैपिटल से रजिस्टर्ड किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट पैदा करता है डिस्ट्रीब्यूटर पे कि इस कंपनी का विजन क्या है। इस कंपनी का विजन है बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने का, बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग के। ओके गाइस, एक मैं पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, वो पॉइंट है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का होने का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का होने का मतलब होता है कि 10 साल में जिस तेजी से ये कंपनी बढ़ी है, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लेंगे तो कोई भी कंपनी 10 साल में $1.15 बिलियन के मार्क को टच नहीं कर पाई है, ठीक है। मैं 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहा हूं, मैं रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं कि इनके फर्स्ट 10 इयर्स के रिकॉर्ड देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, डेटा निकालिएगा, और डेटा निकालने के बाद में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कंपनी जो है 10 साल में इतना तेजी से ग्रो कोई भी कंपनी नहीं करी। 10 साल में कंपनी ने DSN रैंक में पहली जो पोजीशन बनाई थी वो 20वें नंबर पे बनाई थी, और रिसेंट उन्होंने जो पोजीशन बनाई है वो 11वें नंबर की पोजीशन बनाई है। तो पोजीशन बनाने का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग रैंक में पोजीशन बनाने का मतलब है कि आप उस पर फेथ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो न्यूज निकलती है वो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज होती है, और ऑथेंटिक न्यूज पे आराम से आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसमें जो भी कंपनीज अपने आप को टॉप 1, टॉप 10 में रिप्रेजेंट कर रही है, टॉप 20 में रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो वन ऑफ द मोस्ट भरोसे वाली जो कंपनीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है कंपनी की। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है और जिस पे एटमी की बुनियाद है, जिससे एटमी की पहचान ग्लोबल इंडस्ट्री में बनी हुई है, वो पहचान बनी है कंपनी की वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी होने का। एथिकल कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत दुनिया के किसी देश में हो ना हो, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सालों से ये चीज भुगतते आ रहे हैं और सालों से ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं। उन्हें अभी कोई कंपनसेशन प्लान से भी मतलब नहीं है। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और टॉप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर चुका हूं, उन्हें कंपनी के कंपनसेशन प्लान को भी उतना वो सीरियसली नहीं लेते हैं, वो प्रोडक्ट्स को भी उतना ज्यादा फोकस नहीं देते हैं जितना फोकस वो देते हैं कंपनी के एथिकल होने का, ठीक है। और कंपनी के एथिकल होने का प्रूफ अगर आपको कहीं पे देखना है तो एटमी में आप देख सकते हैं। रिसेंटली एटमी में लॉन्च के पहले ही इंडिया में 2 ID टर्मिनेट करी थी, क्योंकि उनके कोड ऑफ एथिक्स के जो है अगेंस्ट उन्होंने कोई एक्टिविटी की हुई थी। इसके बाद में हम लोग मलेशिया में बात करेंगे, मलेशिया में 60 ID टर्मिनेट की गई है। इसके बाद में फिलीपींस में 5 ID टर्मिनेट की गई है। ये मैं सारी रिसेंट खबरें बता रहा हूं। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि बाकी की सभी कंपनीज में अभी जो कल्चर चलते आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, ये कभी लीडर बेस्ड इंडस्ट्री या मार्केटर बेस्ड इंडस्ट्री कभी नहीं रही थी। अब ये आ रहा है कि कंपनीज एक बड़े लीडर को तोड़ती हैं, बड़े लीडर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हैं, एक अच्छी पोजीशन ऑफर करती हैं, और उसके बाद में वही बड़े लीडर जो पहले किसी कंपनी में पैसा बना चुके थे वापस से एक नई कंपनी में आते हैं, वापस से एक नई कंपनी स्विच करके फिर अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके कारण होता क्या है? इसके कारण ये होता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और एक सही पोजीशन की तलाश में रहते हैं और एक सही कंपनी की तलाश में रहते हैं और मेहनत से अचीव करना चाहते हैं, उन्हें वो मेहनत से अचीव नहीं हो पाता है। एटमी में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ पे आपको अपनी पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से, पिछली रैंक के हिसाब से, पिछली लीडर के हिसाब से इंटरटेन नहीं किया जाता है। मैं अगर जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, आप अगर 20 साल एक्सपीरियंस वाले लीडर हैं तो भी आपको सेम पोजीशन मिलेगी, और अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर एटमी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी आपको सेम पोजीशन मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे कोई खरीद फरोख नहीं है। एक बहुत आसान शब्द में बताऊं तो कोई खरीद फरोख नहीं है, कोई टॉप पोजीशन वाला सिस्टम नहीं है, और सभी लोगों तो इस एथिकल होने का फायदा किसको मिलने वाला है? इन एथिकल होने कंपनी का फायदा इसको मिलने वाला है जो लोग सालों से कंपनी स्विच करते आ रहे हैं, 2 साल कंपनी में काम करते हैं या तो स्विच कर देते हैं क्योंकि कंपनी डूब जाती है। क्यों? वेल बैलेंस प्लान ना होने की वजह से, या तो कंपनी फ्रॉड निकलती है या उनके एमडी फ्रॉड निकलते हैं। इसलिए हर चीज का रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज का रिसर्च कीजिए, कंपनी के फाउंडर का रिसर्च कीजिए। रिसेंट एक कंपनी है, कभी 3 साल पहले से चालू है,
और उनकी मैंने कुछ खबरें पढ़ी हैं, तो उन्होंने अचानक से उनके एमडी पे जो है बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं। तो इस तरीके की चीजों से अगर आपको बचना है तो ज्यादा जरूरी है कि आप पहले फाउंडर की प्रोफाइल पे रिसर्च कर लें, कंपनी की प्रोफाइल पे रिसर्च कर लें। कभी भी कोई कंपनी का प्रोफाइल है उसमें आप ये ध्यान दें कि क्या वो कोई स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बैकबोन बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। इन सारी चीजों से जो होता है ट्रस्ट पैदा होता है, ठीक है। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना पेन में है तो डिस्ट्रीब्यूटर का प्लान यही है कि उन्हें एक मोस्ट ऑथेंटिक कंपनी मिले, एथिकल कंपनी मिले, जो किसी के साथ चीट ना करे, सिस्टमैटिक जो है काम करे, और ईमानदार जो लोग हैं, ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सभी लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करें। ओके गाइज, तो ये था आज मेरा फर्स्ट लाइव। इसके पहले मैं कभी लाइव नहीं आया था और मैं जिस जगह पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे कोइंसिडेंटली करंट नहीं था और मुझे ये बिना लाइट के रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो आप देख सकते हैं उसके कारण से थोड़ी सी अनकंफर्टनेस बनी हुई है। लेकिन मैं बहुत सारे और क्विक जो है नए टॉपिक्स के साथ में आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। जल्दी से आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और जो भी विजनरी लीडर हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, मैं एक नॉर्मल लीडर के अलावा बात करूंगा विजनरी लीडर, क्योंकि अभी जिस पोजीशन पे हम हैं प्री लॉन्चिंग फेज में उसमें आपको एक विजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विजनरी लीडर हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप एटोमी का टीम मिनिमस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी डिस्ट्रीब्यूटर और सभी नए व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही जल्द कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको वापस लाइव ज्वाइन करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिंपली रितेश रंगारे टाइप कीजिए किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे और आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे रितेश रंगारे सर्च कीजिएगा तो आपको जो है मेरा प्रोफाइल और मेरा चैनल जो है मिल जाएगा। ओके, और प्लीज़ इस जो वीडियो के रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा वो सारे कमेंट्स जो है वो फीडबैक पे जरूर दीजिएगा ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले, मुझे और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मैं जल्दी कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको वापस ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू ऑल।